मॉर्निंग गाइस, मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी में। आज 12 तारीख है अक्टूबर का, बट इस बार थोड़ा प्लान चेंज है क्योंकि मैं पिछली बार जब गुवाहाटी गया था तब मैं सोनापुर तरफ से गया था, पर इस बार मैं जाऊँगा हाफरून डिमा हाउस से और बहुत सारा सुंदर सुंदर व्यू देखूँगा। बाय रोड जा रहा हूँ गाड़ी से क्योंकि थोड़ा गुवाहाटी में घुसना भी है, इधर उधर जाना है, इसलिए अपना मैं जा रहा हूँ मेरा मौसी लोगों के साथ। और क्योंकि आज मेरी कज़न सिस्टर की आज बर्थडे है तो उसको बर्थडे विश करने के लिए जा रहे हैं, और मैं वापस आऊँगा डेट 15 को, क्योंकि डेट 15 को जब मैं आऊँगा तो अब मैं अपना मौसी के साथ मेरा जो मेरी कज़न सिस्टर है छोटी तो उसको भी लेके आऊँगा। तो सुबह इतना जल्दी उठ गया मैं और नहा वहा के पूरा ड्रेस अप करके, मेरा बैग है पीछे में और पहन लिया कपड़ा, सही है ना कपड़ा वैसे। ऑटो लेना पड़ेगा, ऑटो लेके जाएंगे। क्या सुबह सुबह ऑटो मिलेगा क्या मेरे को, देखते हैं एक बार रोड क्रॉस करके देखेंगे कितने बजे रोड क्रॉस होगा। रोड क्रॉस करके देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं। हम लोगों को मिल गया सर, ये रहा। तो मेरा मौसे का घर से अभी गाड़ी निकालूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे गुवाहाटी में बाय हाफलोंग तरफ से। हमें बजे कन भैया और हम बखरा डोंग गेट थ्रू। कितने बजे से दौड़ते हो? 5 बजे से। 5 बजे तो रात ही होता है? नहीं, रात हो जाता है तो 5 बजे वैसा आदमी लोग घूमता है। मैं भी सुबह 5 बजे उठा था, 5 बजे उठने का तो बाप बोल के खाएंगे। अभी हम लोग रोटी खाएंगे, सुबह रोटी खाएंगे क्योंकि घर में तो बनेगा नहीं, तो भैया है तो भैया के साथ हम लोग रोटी खाएंगे। दुकान बंद है तब भी है क्या रोटी है क्या गाइस? आमा तो पूरा ठीक है, खाना खा के जाएगा, खाली पेट नहीं जाने का। पर बन क्या रहा है जरा देखते हैं, उठाना किससे, इससे उठा के देखते हैं बन क्या रहा है। एक्चुअली यार हम होंडा बन रहा है, होंडा मेरे को होंडा पसंद नहीं है। अम्मा अच्छे से खा के जाना, एकदम पेट भर के खाना। सो गाइस मैं भी गाड़ी निकल रहा हूँ, ये वाला गाड़ी हम लोग अभी लेके जाएंगे किया का गाड़ी, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइव करना पड़ेगा। अमाउंट का बैग मेरे से ज़्यादा छोटा मोटा बैग होगा, लेकिन इतना बड़ा बैग है सच में। 2-3 दिन का सफर है ना, तो लेकिन मैंने देखा बड़ा बैग नहीं है। लड़की लोग का बैग ऐसे ही होता है भाई, थक गया। आज अभी हम लोग गुवाहाटी के लिए रेडी हो गए, जाएंगे अभी हम लोग, स्टार्ट कर दिया गाड़ी। ओम मां खा ले, ओम शिवाय मदद का। अभी यहाँ से गुवाहाटी 432 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट 500 किलोमीटर पकड़ के जा सकते हैं। पता नहीं कटेगा कि नहीं, गिरे था नहीं है ना, तो नहीं है। Full offering.
गाइस हमारे सामने ट्रेन जा रहा है, देखो चला गया। थोड़ा पहले आते तो उठा लेते। डिस्ट्रिक्ट स्टेशन। गाइस मैं भी आ गया हरण जाओ, गाड़ी का हालत खत्म। कमाओ प्रशिकनिंग। गाइस वहां पे एक जगह है पानी नदी का, इतना मस्त जगह है पिकनिक मनाने के लिए, मस्त जगह है वाला। मेरा हम लोग कुछ ले रहे हैं, ये होता है ना फ्राई करने से कोयले जो। गाइस हम लोग रास्ते पर अटक गए, वहां पे एक ट्रक फंस चुका है, पता नहीं खराब हुआ है ना नहीं हुआ पता नहीं। नडी खो मा मा नडी नडी समलाई वो समलाई ऐसा होता है मिशा की, रास्ता रास्ता सब्जी कलेक्ट करके जा रहे हम लोग। गाइस जहाँ भी सब्जी मिले ना उठा लेने का, रास्ता पे मिलने से भी ये होता है मिशा की। रास्ता रास्ता मिल गया तो अभी हम लोग मौसी और मम्मा मुद्रु के साथ खाएंगे इसको बना के। मुद्रु बनाऊंगी। अच्छा मुद्रु बनाएगा अमो। सब्जी तोड़ रहे हम लोग देखो रास्ता रास्ता। गाइस ये कैपिटल देख रहे हो, गाइस वहाँ सोनापुर का रास्ता खराब था, इसलिए जितना भी कैपिटल है जितना भी ट्रक है वो सब यहाँ से आ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा ट्रैफिक हो गया है, इतना लंबा लाइन है। ये इधर से हफलू घुसेगा और हम लोग इधर राइट साइड चले जाएंगे। देखो इतना बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं माईबाग में और अभी थोड़ा सा हम लोग रुके हैं यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो उठाने के लिए। कलाचान गाइस हम लोग लैंडिंग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 26 किलोमीटर जैसा दूर होगा अभी। हेलो गाइस तो हम पहुंच चुके हैं लैंडिंग में जहाँ पे मेरा बहन ममती का शादी हुआ था। ये है लैंडिंग। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लैंडिंग, एक्चुअली लैंडिंग में जस्ट कदम रखा है तो हम लोग खाना भी इधर यहाँ पे आएगा, रास्ता तो काफी मजेदार है। गाइस ये लैंडिंग टू नौगांव, देखो ना शगुन का पेड़ इतना सुंदर सुंदर है ना, पूरा पूरा ब्राउन है, पूरा ब्राउन इधर देखो पूरा ही ब्राउन ब्राउन है। गाइस अभी खाना खाने का वक्त आ गया, पूरा पेट दिखा दे गया। गाइस क्या पैकेटिंग है देखो ना, खाना खाएंगे गाड़ी के अंदर आज खाना, कम से लैंडिंग का खाना। पैकेटिंग भी बहुत ही मस्त है ना के। आज चिकन बहुत भूख लग रहा था, हम लोगों ने पेट पूजा कर ली तो यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है खाना खा लिया सबसे। यहाँ पर देखो ये रास्ता है और एक गाड़ी का हालत कीचड़ ही कीचड़।
वेलकम टू गुवाहाटी गाइस। पहुंच गए हैं गुवाहाटी पे। अभी बज रहा है 6, लेकिन हम लोग घुस चुके हैं 1.5 घंटा पहले, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम लोग फंसे हुए थे यहाँ पे। देखो ऐसी ट्रैफिक बहुत सारा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शिवाली पथ में जा रहे हैं। वहाँ जाके कपड़े वपड़े थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर से निकलेंगे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ये बिल्डिंग यहाँ पे हम लोग घुस रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी पे। अभी कपड़ा वपड़ा निकालेंगे बैग से, केक वेक लेंगे पहले, तो उसके बाद बहन के पास आएगा। गाइस पहुंच गए हम लोग। देखो हालत सब कुछ ठीक है, पर गाड़ी का हालत, सीरियसली गाड़ी का हालत तो पूरा ही गंदा हो चुका है। तो गाइस हमने केक ले लिया है दोनों, ये लड़की का केक है और उधर में लड़का का केक है पीछे में। तो लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं मेरा हॉस्टल पे, GPS पे जा रहे हैं, तो हम जाके देंगे क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना, तो थोड़ा विशेष भी करेंगे, उसको सरप्राइज देंगे ना। गाइस हम लोग आ गए हैं DBS स्कूल में, मेरा बहन का स्कूल पे आ गए हैं, हॉस्टल पे आ गए हैं। कहाँ हॉस्टल, ये आए नहीं है, थोड़ा अंदर है। अंदर है गाइस, ये है मेरा बहन का स्कूल। यहाँ पे बोल रहे 100 buses है, जितने बसेस देख रहे हो ना 100 buses है बोलते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DBS है, वहाँ पे हॉस्टल है उन लोगों का, तभी हम लोग एंटर करेंगे अंदर में। तो गाइस ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल गुवाहाटी का, तो यहाँ से एंटर होता है आई थिंक, ऐसी है बच्चे लोग ऐसे सोचते ना। रॉयल ग्लोबल का बिल्डिंग है ये सब, और यहाँ पर हॉस्टल में क्या पता नहीं हॉस्टल किधर है, हापा जुंग कड़े ब्लू अंदर तक जाता है। गाइस हम लोग आ गए दिल्ली पब्लिक स्कूल पे, और मेरा बहन किधर है इसको विश करेगा। ये हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे सब लोग बैठा हुआ है गिफ्ट देने के लिए मौसी को। चिया सबक केक रिमा फेवर रिंग हॉस्टल वाले ना खजा नंग डोल बोले। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत ही बड़ा है यार, सच में ये गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहा है फुटबॉल, और वो स्कूल है मेरे पीछे जो खड़ा है ना, वो स्कूल है। और यहाँ पर बात बाकी तो मुझे भी इतना पता नहीं है, बाद में पता लगे जब मैं लोग खुश होना। गाड़ी पूरा रख दिया ऊपर,
क्रिकेट का डायलॉग है, क्रिकेट का डायलॉग बोलेगा। आज बैठा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद अभी अभी मैं आज बहन, छोटा बहन का बर्थडे था, फिर अभी डीपीएस में अभी हम लोग आए थे और फिर वहाँ पर उसको केक दिया क्योंकि उसका बर्थडे है तो उसको खुश करना है। वो भी बहुत खुश है उसका केक मिल के, इतना खुश है कि मतलब बोल नहीं सकते सर, खुश बोल नहीं सकते, इतना खुश बोल ही नहीं सकते। चलो अभी बाद में बात करते हैं। बाय बाय।